जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या BSNL का 4G 15 अगस्त 2022 तक में लॉन्च होने वाला है, क्या मोदी जी इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर BSNL के 4G की घोषणा करने वाले हैं या उसके बारे में क्या बताने वाले हैं, क्योंकि पहले ही वो कह चुके हैं कि इस बार स्वतंत्रता के अवसर पर 15 अगस्त को BSNL 4G की सेवा शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों होगी या नहीं, आखिर क्या होगा, हम पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो पूरे धैर्य के साथ देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत धूमधाम से यह घोषित किया गया था कि प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर BSNL की 4G सेवा का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद BSNL दिसंबर 2022 तक अपनी अखिल भारतीय स्तर की 4G सेवा शुरू करेगा। हालांकि अब यह $1 अरब का सवाल है कि BSNL अपनी 4G सेवा कब शुरू करेगा। बहुत सारी अनिश्चितताएं व्याप्त है। हमें बताया गया है कि TCS BSNL को 4G उपकरणों की आपूर्ति करने जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए TCS ने चंडीगढ़, अंबाला आदि में अपनी परीक्षण शुरू किए। कंपनी को 31 दिसंबर 2022 तक अपनी अवधारणा का प्रमाण पूरा करना था। अवधारणा के प्रमाण को पूरा करने का अर्थ है कि TCS की यह साबित करने की क्षमता है कि इसमें BSNL को 4G उपकरण प्रदान करने की तकनीकी क्षमता है। BSNL के लिए यह दुखद है कि TCS निर्धारित तिथि के भीतर POC पूरा नहीं कर पाई है। नतीजतन हमें बताया गया है कि TCS के POC के लिए अंतरिम अनुमोदन किया दिया गया है। इन परिस्थितियों में BSNL ने 6000 4G साइटों की खरीद के लिए 31 मार्च 2022 तक TCS को क्रय आदेश दिया, लेकिन यह जानकर हैरानी होती है कि आज तक TCS ने BSNL के खरीद आदेश को स्वीकार नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार TCS BSNL द्वारा उद्धृत मूल्य पर 6000 4G साइटों की आपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया में यह भी बताया गया है कि BSNL और TCS के बीच अभी भी कीमत पर सौदेबाजी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चिप्स की कीमत में भारी वृद्धि और अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में भारी गिरावट का हवाला TCS द्वारा दिया जा रहा है। उपकरणों की कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब जून का अंत हो चुका है और स्वतंत्रता दिवस के लिए केवल 1.5 महीने बचा है। जिस दिन BSNL की 4G सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जी किया जाना था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स इस साल के अंत तक अपनी 5G सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि यह BSNL और उसके कर्मचारियों के लिए दुखद है कि BSNL अभी भी अपनी 4G सेवा शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहा है। BSNL की 4G सेवा शुरू करने में देरी के कारण BSNL की वित्तीय स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और जल्द ही यह PVRS की स्थिति में वापस जा सकती है। साथ ही यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि BSNL बहुत पहले दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों में अपनी 4G सेवा शुरू कर सकता था। इन दोनों क्षेत्रों में BSNL के बड़े पैमाने पर राजस्व संग्रह होता है। इन दो क्षेत्रों की 19,000 साइटों को कुछ हफ्तों के भीतर नोकिया द्वारा 4G साइटों में अपग्रेड किया जा सकता था। इससे BSNL को केवल 500 करोड़ रुपए खर्च आता, ऐसा क्यों नहीं किया गया और BSNL प्रबंधन और सरकार TCS के पीछे क्यों चल रहे हैं? BSNL के 4G लॉन्चिंग में एक के बाद एक बाधाएं क्यों की जा रही है? देश को जवाब की ज़रूरत है और हमें आपके कमेंट की ज़रूरत है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट कर मुझे बताइएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, फिर कोई अगर सूचना आती है तो आपको ज़रूर अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।